हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं दोबारा से एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो हमारे पास आज ये प्रोडक्ट है, अब देखते हैं इसमें। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है पावर बर्ड्स, ये है हमारे पास इसका बिल के साइड में। तो ये मैं हमारा ये पावर बर्ड्स जो हैं वो बोल्ट के हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं, इसके पीछे से आप जैसे देख सकते हैं कॉल एंड म्यूज़िक कंट्रोल है, गूगल असिस्टेंट है और नॉइस कैंसिलेशन है इसमें। ब्लूटूथ जो ऑटो पेयर है 5.0 है और वी कैन यूज़ बोथ एट द सेम टाइम एंड सेपरेटली एज वेल एज। तो आप देख सकते हैं जैसे कि, तो ये बोट के पावर बर्ड्स हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हैं दिखने में, फिर इनके फीचर्स की बात करते हैं धीरे धीरे। तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। ये है इसकी यूज़र मैनुअल और उसके बाद साथ में आपको जो इसके इक्विपमेंट हैं वो मिलेंगे। सी पोर्ट चार्जर एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सी पोर्ट चार्जिंग, ये है इसका केस, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद इसके फीचर्स की बात करेंगे। ऐसा है देखने में अंदर से। निकाल लेते हैं इसके लिए, देखिए इसको अंदर से। दोनों आप देखो साथ में, एक राइट साइड का है एक लेफ्ट साइड का है। तो जैसे देखो आप, मैंने इसमें वापस रखे हैं तो ये चार्जिंग दिखाने लग गया है इसका, ये ऑटोमेटिकली चार्ज होता है इसके अंदर रखते ही। तो इसके हार्डवेयर की बात करें कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो इसमें हमें मिलता है पावर बर्ड्स विद चार्जिंग केस, उसके बाद हमें मिलता है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स, चार्जिंग माइक्रो यूएसबी केबल और हमें मिलती है यूज़र मैनुअल। तो बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो एक बैटरी है इसमें लिथियम आयन बैटरी की जो कि इंक्लूडेड है इसके अंदर ही। उसके बैटरी बैकअप की बात करें तो टोटल बैटरी बैकअप जो है पावर केस का इसका 120 आवर्स का है, और जबकि जो इसके बर्ड्स हैं उसका 7 आवर्स का है। मैंने मेरे फ्रेंड के यूज़ करे थे तो वो एक्चुअली में 7 आवर्स के अराउंड चल गए थे, 7 to 8 आवर्स चल यूज़ हुए थे। मैंने नॉन स्टॉप यूज़ करा था उन्हें, जिसमें कॉलिंग भी था बीच में, ऑल टाइम सॉन्ग्स मैंने यूज़ करे थे ताकि मुझे उसका बैटरी का पता चल सके। इसमें नॉइस कैंसिलेशन है और माइक्रोफोन इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, जिस और बहुत अच्छा माइक्रोफोन है जो कि हम कंपेयर करें दूसरों के तो बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ किया है तो जब मैं कॉल करता हूँ किसी को तो उनको ज़्यादा क्लियर वॉइस जाती है उनको अच्छी। ये वाटर रेजिस्टेंस जो है IPX7 वाटरप्रूफ है ये जब भी हम इनको जब भी बर्ड्स को हम केस में से बाहर निकालेंगे थे और हमारा अगर किसी डिवाइस के साथ ये पेयर होगा पहले से ही तो ये ऑटोमेटिकली ही उस डिवाइस के साथ पेयर हो जाएंगे। बस हमें करना क्या है कि उस डिवाइस का हमारा जो ब्लूटूथ है वो हमारा ऑन होना चाहिए, और ये जैसे ही बाहर निकलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसमें से बाहर निकाला तो ये पेयरिंग के लिए जो ब्लू लाइट है इसकी वो दिखने लग गई है और मैं ये ऑटोमेटिकली ही पेयर हो जाएंगे। और जो इसकी 3 डॉट्स हैं आप देख सकते हैं, तो ये जो 3 डॉट्स हैं ये इसका चार्जिंग का बताता है कि कितना चार्ज हुआ है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा फुल चार्ज है अप्रॉक्स, और जब भी आपको अभी ये नया है तो इस वजह से जो 3rd लाइट है जो राइट साइड की वो हल्की सी डिम है, आप देख सकते होंगे अगर आपको दिख रहा है, हल्की सी डिम है।
तो ये इस वजह से है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो भी आपके पास डिवाइस आता है वो पूरा चार्ज नहीं होता है, आपको यूज़ करने से पहले थोड़ा उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा 2-3-4 जो भी जितने भी घंटे हैं उसको यूज़ करूँगा, और जब तक ये फुल चार्ज नहीं हो जाता मैं इसको तब तक चार्ज करूँगा, उसके बाद ही मैं इनको यूज़ करूँगा। और जो कंट्रोल्स हैं उसके सारे टच कंट्रोल्स हैं, टच कंट्रोल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जो टच कंट्रोल्स के फीचर्स हैं वो इसके इस तरीके से हैं कि प्ले पॉज आप करेंगे तो डबल क्लिक करने पे करेंगे, जब कोई भी आप अगर सॉन्ग वगैरह चला रहे हैं तो अगर आप डबल क्लिक कर देंगे किसी भी राइट और लेफ्ट बट पे तो वो पॉज हो जाएगा वीडियो या सॉन्ग आपका। उसके बाद आपको अगर प्रीवियस सॉन्ग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट जो बर्ड है उस पर आपको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा, और सिमिलरली अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग चाहिए तो फिर आपको राइट साइड वाले बर्ड पे जो है वो 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कॉल जो है पिक करनी है, कट करना है कॉल आफ्टर रिसीविंग, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी कॉल जो है पिकअप हो जाएगी या फिर कट हो जाएगी। और आपको कॉल रिजेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको 1 सेकंड तक जो है बर्ड्स को किसी भी को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आपका जो कॉल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और वॉइस असिस्टेंस के लिए आपके लिए है, आप अगर 3 टाइम्स क्लिक करेंगे किसी भी बर्ड्स पे तो ये जो है आपका वॉइस असिस्टेंस ओपन हो जाएगा। और अगर आपने पावर ऑन करना है ये, तो उसके लिए आपको ये केस से बाहर निकालने पड़ेंगे और सिर्फ 2 सेकंड तक आपको इनको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। और पावर ऑफ के लिए है आपका, आप केस को जो बर्ड्स हैं उनको 5 सेकंड तक आप क्या करो, इनको प्रेस करके रखो, तो ये जो है 5 सेकंड बाद 5 सेकंड तक प्रेस करने के बाद बंद हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, पावर ऑफ हो जाएंगे बर्ड्स। और अगर आप इनको डायरेक्टली ही रख देते हो केस के अंदर तो आफ्टर 3 मिनट्स जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ये, तो ये आफ्टर 3 मिनट्स ऑटोमेटिकली ही ऑफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और आप बताएं हमें कि हमारा जो रिव्यू है कैसा है। और मैंने देखे हैं और भी चैनल्स पे, पर मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैंने अपने फ्रेंड के यूज़ करे हैं, मेरे फ्रेंड के पास भी थे, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैंने यूज़ करा, तो आप भी एक बार ट्राई करें इसको ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।